फॉर्चुनेट वाकया हुआ कि एक शख्स वी डोंट नो कि अभी तक तहकीक का मामला है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जहनी मरीज था या वो ड्रग्स पे था या कोई और चीज़ थी। ये तो तहकीक का तलब मामला है और ये इसकी रिपोर्ट बाकायदा पुलिस और हेल्थ अथॉरिटीज़ ही दे सकती हैं। लेकिन हमारे हिसाब से एक शख्स ने पहले तो अपनी फैमिली मेम्बर्स पर हमला किया, उसमें उसके वालिदैन हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके बाप भी ज़ख्मी हैं, और इसके अलावा 8 मजीद लोग ज़ख्मी हैं जिनमें से 3 की डेथ बशमूल उसकी वालदा के हो चुकी है। और ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम इसमें अभी इन फैमिलीज़ के साथ अपना ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो या हमारे तिबी अमले के लोग हों, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। कुछ मरीज़ों को तिबी इमदाद मिली लेकिन जिनकी डेथ हुई है उनको वो रोक नहीं सकते थे क्योंकि ऐसे हमला ऐसा हुआ था कि जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो नहीं पाती थी। तो सुबह सवेरे अलग सुबह आज सर्दियों के मौसम में ऐसा वाका होना यह सबके लिए शॉकिंग है। और हम अभी तहकीकात कर रहे हैं कि इस मामले का बाकायदा और पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से पुलिस तहकीकात करे और इसमें कोई कसर ना छोड़े ताकि इन विक्टिम्स की फैमिलीज़ को इंसाफ मिले। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि जो भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मारे गए हैं, जिनकी मौत वाकई हुई है, उनको बाकायदा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ या रिहैबिलिटेशन के जो भी प्रोसेस है वो किए जाए ताकि इनकी फैमिलीज और उनके पसमानदगान को सफ़र ना करना पड़े। और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि अगर इस मामले में उस हमलावर के ऊपर कोई मसला था, चाहे वो ड्रग्स का था या कोई जहनी मसला था, तो उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को एज ए सोसाइटी हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं और